हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, कोई भी ऐप हो जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो, और ऐसे में आपका जो बैलेंस है वो पेंडिंग में फंस जाता है, फेल हो जाता है, या फिर किसी को आप पैसे भेजते हो, पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होते। सामने वाला व्यक्ति बोलते हैं मेरे अकाउंट में पैसा तो आया ही नहीं, और आप बोलते हो मेरे अकाउंट से पैसा तो डेबिट हो गया, SMS भी आ गया और बैलेंस भी डेबिट हो गया। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में आ जाते हो और आप सोचते हो पैसा आखिर गया कहाँ है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, पैसे भेजते हो और ऐसे में पेंडिंग फेल हो जाता है, तो वो पैसे जो होते हैं 72 आवर या फिर 42 आवर के अंदर आपके अकाउंट में दोबारा क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी रिफंड हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो ऐसे में जिस भी एप्लीकेशन से आप पे करते हो, चाहे पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या फिर दूसरा किसी मेथड हो, किसी भी मेथड से आपने पे किए होंगे, तो वहाँ का जो है कुछ कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कुछ ईमेल आईडी वगैरह होते हैं, तो वहाँ से आप कोशिश करें आप कॉन्टेक्ट करने की, या फिर आप कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपका SBI में खाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और कस्टमर सर्विस का नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप बात कर सकते हो। अगर एक्सिस बैंक का है तो कस्टमर केयर से बात करें, वगैरह वगैरह जो भी बैंक है इन सब बैंक से आप बात करके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा और आपका पैसा जो है दोबारा रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड किया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, अभी के लिए बाय बाय।